Hello, welcome back to the PaveLab channel. So we are going to start challenge number 3. That is also very interesting question, and that is also best in arithmetic. So let's start reading question. A group of children stand evenly spaced. So हमारे पास evenly है, right? So it means that we have note down that particular information. And I really want from you guys as well कि जब भी आप सवाल पढ़ो तो main information हमेशा note down करो. Evenly spaced around a circular ring. So there will be a circular ring. ठीक हो गया. I'm very bad at trying. A number consecutively 1, 2, 3 and so on. ठीक है. Number 13 is directly opposite of number 35. So I don't know कि वो clockwise चले anti clockwise चले. तो हम लगे ये 13 number है. It means that ये जो होगा वो 35. क्योंकि ये opposite है. अगर आप वॉच को देखें ये 9 3 होगा तो ये 9 इसके अपोजिट होगा, ये 12 है तो उसके 6 अपोजिट होगा. इस तरीके से 13 नंबर के अपोजिट 35 है. अब हमें बोला हुआ है नंबर 13 इज डायरेक्टली अपोजिट. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रिंग. ठीक है, इवनली. तो हमें ना ये पता होना चाहिए कि 35 से लेके 13 तक यहाँ कितने बच्चे स्पेस में है. तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं, अगर इनको हम एक्सक्लूड करते हैं 35 माइनस 13 प्लस 35 माइनस 3 माइनस 1 करेंगे 5, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये हो जाएगा 21. क्योंकि जब भी हम अगर हम बोलते हैं कि 17 और 11 के बीच में नंबर कितने, 11 और 17 के नंबर बीच में कितने, तो हम क्या करते हैं 17 माइनस 11 माइनस वन करते थे. तो ये दोनों अगर एक्सक्लूड है तो माइनस वन करते, अगर इंक्लूड है तो प्लस वन करते. तो मतलब ये कितने होंगे, ये 21. तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 21 है तो डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितने बच्चे होंगे, 21. तो 21 इसके यहाँ पे है, 21 यहाँ पे, 35 और 13 दिस इज आल्सो स्टूडेंट नंबर, वी हैव टू स्टूडेंट. That also, वो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 40. राइट ऑप्शन. आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू YouTube चैनल. स्टे ट्यून्ड फॉर चैलेंज नंबर 3.